हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये आपको दिख रहा है जो कुकुम्बर है, वो अब हम हमारे बर्ड को देने वाले हैं। देख सकते हैं, ऐसे स्लाइस निकालने होंगे आपको। और सिंपल आप उन्हें बकेट में रख देंगे। यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये जो हमारे बर्ड है वो एक कुकुम्बर खाना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे येलो साइडेड कन्नूर बर्ड है। और ये जो तीसरा बाकी है, ये हम अभी हमारे ग्रे कॉकेटो है, इनके लिए रख देंगे। और देखिए, अभी से खाने के लिए कितना प्रयास कर रहा है। देखिए, अब हम इनको यहाँ पर रख देंगे कुकुम्बर। देखेंगे अभी ये कैसे खाते हैं। देखिए, देख रहे हैं अभी। और ये देखो, इन्होंने खाने के लिए स्टार्ट कर दिया है। अपने चोंच से कुरेद कर थोड़ा थोड़ा ये खाते हैं। देखिए, बहुत ही पसंदीदी फूड है इनका। और ये अभी गर्मी के मौसम में इनके लिए बहुत ही अच्छा है कुकुम्बर, जो कि इन्हें ठंडक देगा और खाने में भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये खाते हैं। कुछ भी नहीं बचेगा अभी थोड़ी देर के बाद। दिन में एक दो स्लाइस इनको हम कुकुम्बर के दे सकते हैं। साथ में अगर आपने दूसरा कोई फ्रूट भी दे दिया तो ही बढ़िया है। और आपको सीड्स भी देने हैं। सीड्स आपको केज के अंदर रखने ही है। जब इनको बन चाहेगा तब ये वो सीड्स खाएंगे। अभी तो फिलहाल देखिए, कुकुम्बर खा रहे, बहुत ही पसंद है। और ये हमारे कोकेटो है, इनको सनफ्लावर सीड्स ही बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने अभी कुकुम्बर को छुआ भी नहीं, देख सकते आप। ये हमारे बजीज है जो कि अभी सीड खा रहे हैं, देख सकते हैं। ये हमने इधर फीडर लगाया है ताकि कोई दिक्कत ना हो खाने के लिए। एक बार इसको भर दिया तो चार पांच दिन तक ये खा सकते हैं। और ये हमारे फिंचेस है, देखिए, इनके लिए भी हमने सीड्स रखे हैं यहाँ पर। अगर आप अपने बर्ड्स को मल्टीपल फूड देंगी, सीड्स वगैरह फ्रूट्स मिक्स देंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।